वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग या फिर सिनोनिम्स। पहला वर्ड है हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट। यहाँ पे ध्यान दें, वर्ड स्पेंड से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बात खर्चे की हो रही है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हुआ उड़ाऊ। इन सभी वर्ड्स का वैसे तो मतलब एक जैसा ही निकलेगा या सिमिलर मीनिंग निकलेगी, खर्चीला, अपव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला। तो यहाँ पे पहले वर्ड में हम स्पेंड से अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे ही इस वाले वर्ड्स में, या फिर प्रोफ्लिगेट या फिर प्रोडिगल जो वर्ड्स हैं हमारे, दोनों में प्रो, ये वर्ड से हम प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं या फिर दिमाग में एक तस्वीर बना सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम पैसों को कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इनका मीनिंग हमने लिखा हुआ है कि खर्चीला और अपव्यय। पहला वर्ड जैसे कि इसमें प्रोडिगल और इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोफ्लीगेट, दोनों का ही लगभग आसपास का ही मतलब है, खर्चीला और अपव्यय। इसी तरीके से इसमें भी थ्रिप्टी वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि स्पेंड थ्रिप्ट में यूज़ किया गया है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अनथ्रिप्टी का मतलब हुआ अपव्यय। इसके बाद फिर इम्प्रोविडेंट, जैसे प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जो पैसों से रिलेटेड ही होते हैं, तो उसी तरीके से हम इसमें भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बात पैसों की ही हो रही है और मीनिंग इसका है वैसे उड़ाऊ या फिर अधिक खर्च करने वाला। और एक्स्ट्रावेगेंट में तो वर्ड लगा ही हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्च करना, तो वैसे ही इसका मतलब निकलता है फिजूल खर्च। तो ये सभी वर्ड्स एक्चुअली में सिनोनिम या फिर सिमिलर मीनिंग के तौर पे हमें क्वेश्चन में दिखाई दे सकते हैं, ऑप्शंस में दिख सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा।